ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग जो स्टैचूस चुरा कर लाए थे म्यूजियम से, उन सभी स्टैचूस को हमने ले जाकर लेस्टर को दे दिया था। लेस्टर इस टाइम पर निकल चुका है दूसरी कंट्री उन्हें बेचने के लिए, क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। अभी यार देखो, बिग माफिया का जो भाई है ना, वो एक के बाद एक करके लॉस सैंटोस में शोरूम खोले जा रहा है, जिससे कि अपना बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हो रहा था। तो मैंने क्या करा, दूसरी कंट्री में जाकर ना जो सबसे महंगी कार थी जो कि मतलब कि आज से भी 15 दिन बाद लॉन्च होनी है, उसको मैं जाकर ले आया। बट यार ये काफी ज्यादा महंगी पड़ी है। अब इसके साथ साथ ना मैंने और भी काफी सारी गाड़ियां खरीदी थी अपने शोरूम के लिए, ताकि अपना शोरूम भर जाए और यहाँ पे काफी सारे कस्टमर्स आकर अपनी फेवरेट गाड़ी खरीद के जाएं। बट दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही उस बंदे ने सारी की सारी गाड़ियों की डिलीवरी करी, अब यार देखो लिबर्टी सिटी से मैंने टोटल 5 लैम्बोर्गिनी सियान मंगवाई थी, जिसमें से 4 को लॉस्ट गैंग के बंदों ने जला के ब्लास्ट कर डाला, और साथ यार उसके अंदर अपनी पोर्शे भी थी, वो भी 2-2। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल अपनी 6 सुपर कार्स का नुकसान हो गया है। बट अभी ना अच्छी बात यह है कि जो अपनी सबसे महंगी कार है मास्टर फ्राई $50 मिलियन की, उसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आई, वो बिल्कुल सेफ है और अभी फिलहाल वो बाहर खड़ी हुई है। और साथ ही जो अपनी जेनोट्रॉन है स्पेशल एडिशन, ये भी बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर जो कलर्स है ना गाइस, वो काफी ज्यादा अलग है। ये साइड से दिखने में ग्रीन लगती है, फ्रंट से दिखने में ब्लू लगती है, और बाकी ये तो अपनी सिंपल वाली जेनोट्रॉन है। तो ये दोनों गाड़ी बच गई। और हां गाइस यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो अपनी बैटमैन एडिशन की कार है भाई, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस गाड़ी को बेचना या फिर नहीं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना इसे बैनी से मॉडिफाई करवाकर अपनी पर्सनल व्हीकल बनवा लेता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा तगड़ी है, पूरी बुलेट प्रूफ है। वैसे मॉडिफिकेशन से याद आया कि बैनी को मैंने अपनी मस्टैंग मॉडिफिकेशन करने के लिए दे रखी थी, तो भी जल्दी से हम लोग नीचे चलकर देखते हैं कि उसने अभी तक मॉडिफाई करी या फिर नहीं करी। मतलब कि भी टोटल उसे 3 दिन का उसने टाइम लिया था, और अभी उसे पूरा का पूरा 1 हफ्ता हो चुका है। बाकी लमार तो सीधा अपना ट्रक लेकर नीचे आ गया था, दोनों के दोनों। मैं अपना ऊपर आ गया था, जितना भी इंपॉर्टेंट काम है वो देखने। तो देखते हैं यार, बैनी अभी फिलहाल ना जितनी भी लैम्बोर्गिनी सन ब्लास्ट हुई थी वो भी हम सारी लेकर आ गए थे। तो बैनी सोच रहा है कि उसमें से एक आध अगर हो सकेगी ठीक हो जाएगी तो ठीक है, अपने पास एक आध लैम्बोर्गिनी और जाएगी, वरना तो यार नुकसान हो गया तो हो गया। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं अपने शोरूम के गैराज में आ चुका हूं। बाकी तो यार मेरे को यहां पर कहीं पर भी अपनी मस्टैंग जीटी नजर नहीं आ रही है। बाकी यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तीनों की तीनों लैम्बोर्गिनी सियान ब्लास्ट होने के बाद कितनी ज्यादा घटिया लग रही है। वैसे कोई भी गाड़ी होगी ब्लास्ट होने के बाद घटिया ही लगेगी। बाकी सामने की तरफ में जो 4th लैम्बोर्गिनी सियान है ना, मुझे लग रहा है उसे बैनी ने थोड़ा बहुत मॉडिफाई नहीं काफी ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। मतलब कि अभी बस इसके अंदर टायर लगना बाकी रह गए हैं, और साथ ही अलॉय तो सारे के सारे लग गए हैं, और गाड़ी की मॉडिफिकेशन अभी भी चल रही है। और हां गाइस, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, ये जो आप लड़की देख पा रहे हो ना, ये बैनी की टीम की है। अब ये बैनी के साथ ही काम करेगी। अब इनकी टी-शर्ट्स पर भी दोनों पे बैनी लिखा हुआ है, क्योंकि बैनी की जो टीम है उसका नाम ही बैनी है। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल मेरे को लग रहा है बैनी इस वाली गाड़ी को रिपेयर कर देगा। अभी जल्दी से इससे पूछता हूं अपनी मस्टैंग जीटी कहां पर है यार। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल बैनी कह रहा है कि वो जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है ना ग्रीन कलर की, वही है मस्टैंग जीटी। अब यार देखो, जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना, मैंने इस गाड़ी को देखा था, बट मेरे को ये कहीं से भी अपनी मस्टैंग नहीं लग रही जो येलो वाली थी। मतलब कि यार बैनी ने तो उसको पूरा का पूरा ही चेंज कर डाला, जैसा कि इसने कहा था कि इसे 3 दिन का टाइम चाहिए, गाड़ी ये पूरी बदल देगा। सच्ची में यार काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर से इसे उतारते हैं, फिर इसे चला के देखते हैं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और चलाकर देखते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी कैसी है। बाकी तो और आप लोग एक बार इस गाड़ी का साउंड सुनो, मतलब यार पूरी की पूरी चेंज कर डाली बैनी ने। तो अभी जल्दी से ना इस गाड़ी को हम लोग यहाँ से निकालते हैं और फटाफट से गाइस यार इसकी ना एक राइड कर आते हैं, चला कर देखते हैं कि आखिरकार ये गाड़ी कैसी है। और वैसे भी यार अभी ना मेरे को सबसे पहले सैंडी शोरस जाना है, क्योंकि यार ट्रैवर आप लोग को पता है हॉस्पिटल में था, अभी उसको काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, मुझे जाकर पता करना चाहिए कि वो ठीक हुआ या फिर नहीं। वैसे डॉक्टर ने 3 दिन का टाइम कहा था और आज शायद से 4th दिन है। तो चलो कोई नहीं। बाकी यार देखो, सच्ची में जो गाड़ी यार काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। पहले ये सिर्फ एक सुपर कार थी, बट गाइस यार अभी ना ये एक ऑफ रोड व्हीकल बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक सुपर कार वाला दम है, क्योंकि यार इंजन तो वही है, सीधी सी बात है। बाकी यार चलने में भी काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। एक काम करते हैं गाइस, इसकी ना थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं, इसे थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रस्ते पे चलाते हैं। ओ आराम से इसको थोड़ा बहुत ना कंट्रोल मेरे को करना सीखना पड़ेगा। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, लो भाई अभी पहले दिन ही निकाली थी और मैंने पलट डाली, बाकी ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं भाई, सिर्फ गंदी हुई है, यहाँ तक कि ग्लास तक ही नहीं टूटे भाई, वरना अगर नॉर्मल गाड़ी होती है ना ठुकते ही ग्लास टूट जाते हैं, बट यार इसका अलग हिसाब है। अभी जल्दी से इसे भगाते हैं, और एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर इस गाड़ी से मैंने ट्रक को टक्कर मार दी ना, तो हो सकता है ट्रक पूरा उल्टा पलट जाए, मतलब तिरछा विरछा नहीं पलटेगा, सीधा उल्टा पलटेगा। बाकी देखो, इसे मैं एकदम पूरा ऑफ रोडिंग कराने के लिए लेकर आ चुका हूँ। ओ भाई भाई भाई, सच्ची में अगर किसी को भी पकड़ना होगा ना इस टाइम, या फिर पुलिस से बच के भागना होगा, तो इससे ज़्यादा बेस्ट गाड़ी कोई नहीं हो सकती भाई। ये देखो क्या ही चल रही है भाई, मतलब इसकी स्पीड एकदम ओपी है। ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर पार कर देगी क्या भाई? ये देखो
नॉर्मल गाड़ी होती डूब जाती है, मेरी गारंटी है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी से कुछ ज्यादा ही तगड़ी ऑफ रोडिंग मार रहा हूँ, लेकिन यार ये जो गाड़ी है कहीं पर भी फंसने या फिर कहीं पर भी डूबने का नाम ले ही नहीं रही है। अब ऐसा नहीं है कि गाड़ी तैरती है, यहाँ पर थोड़ा ना पानी का लेवल कम है इसलिए ढंग से चल पा रही है, बट हाँ यार सच्ची में पूरे के पूरे टायर धस चुके हैं, बट ये फिर भी एकदम मस्त चल रही है। और अगर कोई सुपर कार होती ना अभी तक यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ डूब गई होती। बाकी ओ ओ ओ आराम से भाई, यहाँ पर ही थोड़ी सी फिसलने लगी है क्योंकि काफी ज्यादा इधर मड है। तो चलो यार अभी ना बहुत खेले। ओ भाई गलती से एक बर्ड के मैंने टक्कर मार दी। चलो कोई नहीं, वैसे ज्यादा तेज नहीं लगी क्योंकि मैंने ब्रेक दे दी थी एंड टाइम पर। गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी में यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि आगे कुछ ज्यादा पानी है, तो सच्ची में ना अटक जाए, इतनी ज्यादा तारीफ कर दी पता लगा बाद में अटक ही जाए। जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर गाइस हम लोग निकलते हैं सीधा सैंडी शोर है, वैसे वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी चलाकर यहाँ से जा ही रहा था, तो अभी ना गाइस मेरे को सामने की तरफ में लॉस्ट गैंग के बंदे दिख गए। और अभी ना फिलहाल टाइम आ चुका है इन लोग से बदला लेने का। ये लोग कुछ ज्यादा ही चौड़े हो रहे थे ना गाइस, इन्होंने ही हमारी सारी की सारी गाड़ियां चलाई है, मतलब ये वो बंदे नहीं है उसी गैंग के। अभी फिलहाल मैं इनको सबक सिखाता हूँ। अपने पास तो इस टाइम पर काफी ज्यादा तगड़ी कार है, इन लोग का मैं अभी भूत बनाने वाला हूँ। मेरे पास ना गाइस इस टाइम पर गन नहीं है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इन्होंने मेरी नई गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी, बट कोई नहीं अभी ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी गाड़ी पूरी पूरी बुलेट प्रूफ हो चुकी है, पर दिक्कत है आगे का ग्लास टूट गया है। अभी ना इनके बंदों को मैं मारूं कैसे, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। इनकी गाड़ी को मैंने अटका डाला है, बाकी तो पलट के ही मारूंगा। आ जा बेटा अपनी गाड़ी गाइस, ये देखो कहीं से भी निकल सकती है, मतलब ये जो आप लकड़ियां देख पा रहे हो ना जिसको यूं ही पार कर देगी। अबे करे यार, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं पार ही नहीं कर रही। ओके कर देगी, बस ये थोड़ा साइड से मेरे को लाना था। बाकी यार वो देखो लॉस्ट गैंग के पूरे के पूरे वैन में ना बंदे भर के बैठे। चलो तुम्हारी ऐसी तैसी चला, आज गाइस यार इनको मैं सबक सिखाने वाला हूं और क्या ही गलत वाला एक्सीडेंट मैंने इनके करवा दिया। चला तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल लॉस्ट गैंग के बंदों को ना पहले मैं थोड़ा बहुत दूर भाग लेने देता हूँ, जब इनके और मेरे बीच थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो जाएगा ना उसके बाद इतनी तेज स्पीड में भगाता हुआ ले जाऊंगा और ऐसे टक्कर मारूंगा ना कि इनकी हेकड़ी भर जाएगी। और वो टाइम आ चुका है, अब चलो बेटा बहुत देर से चलो ना, निकलो तुम्हारी ऐसे की तस्वीर। बाकी यार इनकी वैन भी कोई हल्की फुल्की नहीं है, कुछ ज्यादा हैवी वैन है, बाकी इसके आगे तुम जा ही नहीं पाओगे। रुको बेटा अब मैं अपनी गाड़ी से ना गाइस उतरता हूँ, मेरे पास गन्स नहीं है इसलिए मैं इतनी देर से उतर नहीं रहा था। रुक जाओ, इनका ना पहले मेरे को यहाँ से बंदा बाहर निकालना पड़ेगा। भाई साहब सारे के सारे गाड़ी में ऐसे चढ़कर बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या ही कर लेंगे, बाहर आते ही ऐसे गाड़ी चलाएगा। पहले ना गाइस एक बंदे से मेरे को गन खींचना पड़ेगा। ओ नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे गोली मारने लग गए। ओ भाई साहब और बंदे बुला लिए लॉस्ट गैंग वालों ने, तो नहीं नहीं भाई मैंने गड़बड़ कर दी। स्टार्ट हो जा भाई, एक सेकंड रुक जाओ भाई, सामने से ना अपने बाइक पर इन्होंने बंदे बुला लिए। चलो तुम्हारी ऐसे मेरे को मारोगे, इसको पहले ना मार के गाइस मैं एक गन लेता हूँ। रुक जाओ, ये कुछ ज्यादा बदमाश बन गए भाई, मैं चाहता नहीं था इतनी ज्यादा लड़ाई हो अपने इस टाइम पर सैन एंड्रियास में, बट इसके पास ना गाइस इस टाइम पर शॉर्ट गन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो गोली है। तो पहले ना मुझे उस बंदे को मारना जिससे कि मेरे को और मतलब कि बुलेट्स मिल जाए। पहले तू निकल बेटा यहाँ से, एक को तो मैंने मारा, बाकी उस साइड पर ना सारे के सारे जा चुके हैं। ओ भाई इसमें मत ला के टक्कर मार देना भाई, ये देखो ये ला रहा है भाई, बच गया मैं। ओके ये जिंदा है, पहले इसको मारता हूँ, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के ना गाइस मेरे को इसकी एमो उठानी है। अभी सीन ये है कि अपने पास वेपन्स नहीं है और जब तक लेस्टर नहीं आएगा ना हमारे पास समझ लो गन्स का जुगाड़ होने ही नहीं वाला। वही एक बंदा जो कि मैं गन्स दिलवा सकता है, अभी एक को मैंने और मारा, जल्दी से इसकी भी गन उठाता हूँ, काश यार इसके पास ठीक ठाक एमो। बाकी इसके पास भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही एमो है। सामने से एक बंदा आ रहा है, निकल यहाँ से। नहीं यार इतनी दूर नहीं मार पाऊंगा, गाड़ी से ही मारता हूँ इन लोग को। इनके तो दोनों गाइस मेरे को थोड़ा बहुत गन्स और एमो भी मिल जाएगा। ठीक करा यार मैंने लॉस्ट गैंग के बंदों से लड़ाई करके दूसरा कहीं तरह की से। बाइक पे बंदे बुलाओगे, इतने बड़े हो गए हैं भाई, मेरे बाइक पे बंदे बुलाओगे मेरे को मारने के लिए, मतलब ऐसे चौड़े हो रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है मेरे को। तीरी भैंस के निकल यहाँ से, क्या ही मारा है गाइस इन लोग को गिरा गिरा के। शायद से सारे जा चुके हैं, वो भी ना गाइस जल्दी से आगे चलता हूँ। शायद से ना ये लोग किसी बंदे का ना सामान भी चुरा के भागे थे, जल्दी से ना पहले वो मैंने सामान उठा लिया है, शायद से काफी सारा उसका इन्होंने पैसा चुरा था। रुक तेरी ऐसे की दस्ती, कहने को इसके पास मेरे को लग रहा था पिस्टल है, बट बेचारे सारे के सारे यहाँ पे शॉट गन ही लेकर घूम रहे हैं। ओके एक को मैंने मार दिया, उस तरफ में एक बंदा हो रहा है। बेटा तेरा तो मैं सर खोलूंगा, इधर निकल तेरी ऐसे की दस्ती। ओके मेन गाइस यार अपनी फाइट लेने का मकसद ये था कि पहले तो यार देखो अपना बदला लेना है मुझे, अभी इनको अभी नहीं मारूंगा मैं, इनको अभी और ज्यादा मारूंगा और जितना नुकसान इन्होंने मुझे पहुंचाया ना उसका ट्रिपल नुकसान मैं इनको पहुंचाने वाला हूँ। बाकी यार सच्ची में अपनी जो गाड़ी है ना भाई पूरी जबरदस्त है यार, इतनी टक्कर मारी, इतनी गाड़ियां पलटी, इतने बंदों को ठोका, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे ना तो गाड़ी पे ऐसा लग रहा है एक खरोच भी नहीं आई है, बस थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी सबसे पहले ड्राइवर के पास चलते हैं, उसको देखते हैं, उसको अपने साथ लेंगे, फिर चलेंगे लॉस सैंटोस।
तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा ट्रेवर के गांव में पहुंचने वाला हूं, जिस हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है। जल्दी से वहां पर चलकर उससे मिलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार तो देखो कि ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को काफी देर से चला रहा हूं और अभी ना गाइस मैंने इसके इंटीरियर में एक बटन चेक करा जिसे मैंने पहले चेक नहीं करा था और ना ही मेरे को बैनी ने बताया था। और गाइस इसके पता है क्या हो रहा है कि अपनी जो गाड़ी है ना गाइस, वो देखो ये जंप मारने लग गई है। अभी आपको ज्यादा पता नहीं चला होगा, मैं आपको एकदम स्टिल गाड़ी में दिखाता हूँ। ये देखो, मतलब ये जंप मार रही है बट कोई ज्यादा ऊंची जंप नहीं है। बट हाँ, इसका एक फायदा भी है, एक नुकसान। फायदा ये है कि अगर पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें चेस कर रही है, तो हम लोग उससे कुछ इस टाइप से बच के निकल सकते हैं। बट ये थोड़ा बहुत रिस्की भी है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन नुकसान इसका ये है कि जब हम लोग इसे जंप मोड पे डालते हैं ना, तो उसके बाद जो इसके पीछे वाली ब्रेक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग ड्रिफ्ट मारते हैं, वो काम करना बंद कर देती है। तो मुझे ना अभी समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसे कौन से मोड पे चलाना चाहिए। बाकी चलो कोई नहीं, आगे वाली ब्रेक्स तो अपनी है ही, हम लोग नॉर्मली रोक लेंगे। बाकी दोनों ही मोड बढ़िया है। अभी फिलहाल ड्राइवर के गाँव से मैं थोड़ा बहुत गलत आ गया हूं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं वापस एकदम सही रास्ते पे आ गया हूं। अभी ना गाइस जल्दी से एक बार टेस्ट करते हैं कि आखिरकार इसकी जंप का क्या फायदा है। वैसे क्या फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा है। मतलब कि जो भी छोटे-मोटे बैरियर होते हैं ना, वो तो ये बिना जंप करे ही पार कर देती है, और जो बाकी बड़े वाले बैरियर है उसको हम लोग जंप करा के पार करवा देंगे। तो चलो गाइस यार, फाइनली हम लोग उस वाले हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। अभी ना गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी में यहीं पर खड़ी करता हूं। और ये देखो, मेरे को ना मतलब कि ड्रिफ्ट मारने की आदत है, तो यार मैंने गलती से जंप भी मार देता हूं कई बार। चलो कोई नहीं, अभी फाइनली हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी यहीं पर खड़े करते हैं और फटाफट से ना अभी अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है, ड्राइवर ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ। वैसे मुझे जहां तक लगता है कि यार अब तक तो ठीक हो गया होगा, काफी ज्यादा दिन हो गए हैं। बाकी यार यहां पर डॉक्टर सभी एक अंदर तो गया, एक डॉक्टर, एक काम करता हूं पहले मैं उधर चलता हूं, यहां पर एक मेन डॉक्टर है, ये मैं बताएगा क्या सीन है ड्राइवर का। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इस डॉक्टर से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि ड्राइवर तो यहां से दो दिन पहले ही ठीक होकर जा चुका है, उसका एक दोस्त आया था उसे लेकर अपने घर पर चला गया। बाकी यार देखो, मैंने ड्राइवर को ना कई बार कॉल करा और उसने यार मेरा एक बार भी कॉल नहीं उठाया। एक तो मैंने यहां पर आके उसका इलाज करवाया, उसके बाद वो मुझे ही इग्नोर मार रहा है। मैं अकेले लिबर्टी सिटी गया, वहां पर अपनी लड़ाई भी हो सकती थी, वो तो अच्छी बात है कि नहीं हुई। इस टाइम पर लॉस गैंग भी अपनी दुश्मन है, बिग माफिया का भाई भी वैसे दुश्मन तो नहीं है, बट हरकतें उसकी भी पूरी लग रही है दुश्मनों वाली। बट कोई नहीं यार, अभी ना जल्दी से हम लोग पहले चलते हैं ड्राइवर के पास, वो पक्का अपने घर पर ही होगा। और उसका घर ना गाइस यार यहां से काफी ज्यादा पास है। अभी जल्दी से उसके घर पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। मतलब क्या यार, मैं उसे कॉल कर रहा हूं और वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल यहां पर मैं इसके घर पर तो आ चुका हूं। बाकी रोन अपना यहां पर बाहर घूम रहा है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहां पर इसने भी मेरे को एक बार भी कॉल करके नहीं बताया और डॉक्टर कह रहा है कि इसका दोस्त ही लेकर गया है, तो पक्का यही लेकर गया होगा। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर ट्रेवर के दोस्त रोन से बात हो चुकी है और गाइस यार ये कह रहा है कि ट्रेवर इस टाइम पर घर पर नहीं है। वो जैसे ही हॉस्पिटल से निकला था ना, तो उसने एक पुलिस वाले से बेमतलब पंगे ले लिए और पुलिस वाले घर पर आए और उसे सीधा अरेस्ट कर ले गए और वो लोग उसे एक महीने से पहले छोड़ने भी नहीं वाले। तो फिलहाल रोन तो बिल्कुल सही कह रहा है। बाकी यार अभी ना ड्राइवर को छुड़ाने जाना पड़ेगा, तो चल यार रोन साथ चल। वैसे यार देखो, मेरे पास ना इस टाइम पर ज्यादा गन्स वगैरह नहीं है, तो मैं बेमतलब कहना पहली बात तो ज्यादा पंगा चाहता भी नहीं हूँ। अभी जल्दी से ना रोन को अपने साथ गाड़ी में बैठाता हूँ और देखते हैं कि कौन से वाले यहाँ पर लेकर गए। वैसे जहां तक है सैंडी शरीफ ही लेकर गए होंगे। वैसे यार देखो, जो सैंडी शरीफ के ऑफिसर थे वो तो यार ड्राइवर को कुछ भी नहीं कहते थे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इसे अरेस्ट क्यों कर लिया। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी अच्छी खासी बातचीत है इन लोग से आराम से बात करेंगे और बिना कुछ करे थोड़े बहुत पैसे देके हम लोग ड्राइवर को छुड़वा लेंगे। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी यहीं पर खड़े करता हूं और फटाफट से अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अगर ये लोग मेरी बात प्यार से समझेंगे तो ठीक है, वरना मैं इनका मुंह भी तोड़ डालूंगा। बाकी सामने एक बंदा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो अंदर मेन यहां का मैनेजर है ना, सीधा उसी से चलकर यहां पर हम लोग बात करते हैं। तो ओके गाइस यार, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस ऑफिसर से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ट्रेवर से मिलना है तो जाकर मिल सकते हो, लेकिन अगर उसको छुड़वाने के चक्कर में हो ना, तो तुम्हें भी अंदर कर डालेंगे। मतलब कि यार इनका कहना है कि वो एक महीने से पहले नहीं छूटने वाला। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से हम लोग पहले इस ऑफिसर के साथ चल लेते हैं, एक बार ही ट्रेवर से मिलकर ही आ जाते हैं। वैसे अगर इस टाइम पर मेरे पास ढंग की गन्स होती ना, मैं इनका सिर फाड़ देता, सही बता रहा हूँ। बट अभी ना मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि यार सीधा इन लोगों ने ना यार उसे बंदी कर दिया लॉकर में। और चल भाई। तो ओके गाइस यार, शायद से रुका इसलिए था क्योंकि ये ना आगे से दोबारा परमिशन ले रहा था कि हमें अंदर आना चाहिए या फिर नहीं। तो भी ना फिलहाल यहाँ पर शायद से इसने परमिशन ले लिया है। बाकी पीछे की तरफ में ओके, तो वहाँ पर एक और ऑफिसर खड़ा हुआ है। तो भी ना फिलहाल यहाँ पर हमें लॉकर तक तो लेकर आ चुका है। अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं और ट्रैवर से एक बार मिल लेते हैं। बाकी सामने की तरफ में भी एक बंदा बैठा हुआ, ये ट्रैवर नहीं है। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पर गाइस यही हालत होती है जब कोई बंदा जेल में आ जाता है। बाकी ट्रैवर को इन लोगों ने बेहोश कर दिया मार मार के। तुम्हारी ऐसी की तरह से रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, अभी ये चीज़ मैं नहीं देख सकता।
यहाँ पर ना पहले इस बंदे को अंदर बैठा, ड्राइवर को भी करोगे तुम्हारी भैंस के नाम, तुमने बेमतलब के पंगे लिए कैसे? हाँ तू ज्यादा उछल रहा था ना, अभी रुक जाओ, सबका गैस पहले ना मैं भूत बनाने वाला हूँ, तुम्हारी भैंस के ड्राइवर को भी करोगे, अब तो मैं उसे लेकर जाने ही वाला हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि उसको यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी इसके अंदर हिम्मत देख रहे हो कैसे डर के जा रहा है, मतलब इसे पता है कि अब इसकी तुड़ाई तो होनी ही है, तो इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल रहा था। बाकी अब आओ बेटा, मेरे को तुमको मारने के लिए ना गन्स की जरूरत ही नहीं है, शायद से ना यहाँ पर भी अंदर कोई ना कोई बंदा, तुम्हारी भैंस के दोनों उत्तरी भाई सब दोनों क्या कस कस के मारने आ रहे थे, मेरे को निकल यहाँ से। ओ शिट, मेरा यहाँ पर इस टाइम पर जो बेसबॉल बैट है ना वो उस जगह पर लग गया। बाकी ओ भाई सब, यहाँ पर इस वाले इंस्पेक्टर के अंदर कुछ ज्यादा ही जाना है, बस पड़ी ना सर, पड़ी ना बहुत गंदी तरह, एक और लो। चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इसको मैंने मार दिया, आप टेंशन मत करो, इसके पीसी पे एक पड़ गई, देखो इसमें से धुआं निकलने लग गया कंट्रोलर में से, जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर पहले ऊपर चलते हैं, रुक जा तेरा मैं सिर्फ फाड़ दूँ, निकल यहाँ से, बहुत उछल रहे हैं ना ये सारे के सारे, अभी भी जाना है, निकल यहाँ से। गन्स ये लोग के पास है बट ये लोग चलाने नहीं चाह रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि छोटा मोटा आदमी है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं और चल करना, ये जो बाकी बच्चे कुछ बंदे हैं ना यहाँ पर उनका भी मुंह तोड़ते हैं, और जो लॉकर है ना उसकी चाबी लेके मैं ट्रैवलर को छुड़ा कर यहाँ से निकलता हूँ। बाकी अबे ये कहाँ से टपक गए, निकल यहाँ से अभी फिलहाल यहाँ पर, सब इनके अंदर जान तो काफी ज्यादा है बट अभी रख रख के पड़ेंगे ना सबके तो शांत होंगे। बाकी वो लोग मार रहे हैं, वो पुलिस ऑफिसर और तू कौन है, ये किस लिए मेरे को मार रहा है, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। बाकी आ बेटा तू इधर, इसकी ऐसे की तैसे यहाँ पर दम है किसी के अंदर भी। ओ भाई साहब, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि पुलिस ऑफिसर ना थोड़े बहुत समझदार है, गन्स नहीं चला रहे। तो गाइस आप लोग ना एक बार इस बंदे को देखो कितनी ज्यादा जान दिखा रहा है मेरे को मारने के लिए। अब आ बेटा तू बहुत देर से उछल रहा है, पुलिस वालों के साथ रहकर उनके साथ काम करने लग गया तू। तो अच्छा लो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सबका मैंने यहाँ पर भूत बना दिया, सामने से ये कैसे तेरी ऐसी की तैसी, गन लेकर आ गया। मुझे लग रहा था काफी ज्यादा ईमानदार ऑफिसर है, जब तक मैं इनके ऊपर फायर नहीं करूंगा ये भी मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, बट अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोगों ने तो सीधा मारना ही कर दिया। यार यहाँ पर रख रख के बजा दिया है, अभी ना फिलहाल मेरे पास जो शील्ड है ना गाइस वो भी उसकी भी हेल्थ पूरी खत्म हो जाएगी ना, तो सारा काम खराब हो जाएगा। अभी ना गाइस जल्दी से यहाँ से मैं निकलता हूँ, मतलब क्या इन लोगों ने हरकत करी थी, अभी मुझे भी अपनी पिस्टल निकालनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था काम ना एकदम आराम से हो जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट इन लोगों ने ना ज्यादा हरकत करी है, सामने की तरफ एक बंदा निकाला यहाँ से। अभी ये लोग ना जानते ही नहीं है कि इनके सीधा जब मत्थे पे पड़ेगी ना तो इनकी क्या ही हालत होने वाली है। बाकी वो देखो सामने की तरफ में बंदा है, और ये है गाइस यार यहाँ पर जो मेन ऑफिस था, मुझे सीधा ना इसके अंदर आकर यहाँ पर जो मैनेजर है उससे बात करनी चाहिए थी, बाकी वो यहाँ पर है नहीं। और सिलेंडर में मैंने मेरे को लग ही रहा था कि मैं इसको बुलेट मारूंगा, और मैंने मार भी दी ताकि यहाँ पर कुछ तगड़ा ब्लास्ट हो जाए। बाकी ना ट्रैवलर को ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से लेकर निकलते हैं, ट्रैवलर नीचे वाले फ्लोर पर है और ज्यादा आग ना लग जाए भाई, गड़बड़ जाएगी बहुत ज्यादा। भी फटाफट से गाइस चलते हैं नीचे। वैसे यार देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि नीचे वाले फ्लोर पर भी थोड़े बहुत ऑफिसर्स हो सकते हैं। वैसे यार देखो यहाँ पर जो बंदे हैं इन्होंने मुझे देख लिया यहाँ पर आते हुए, तो सीधा तुम लोग तो यहाँ से चुपचाप निकल लो। तो गाइस यार देखो ये रहा अपना ट्रैवलर, जल्दी से ना यहाँ पर ये वाला जो लॉक ऐसे तोड़ते हैं। ओके तो यहाँ पर काफी कच्चा लॉकर था या फिर ये पता नहीं खुला ही हुआ था। बाकी इस टाइम ना ट्रैवलर तो बेहोश हो रखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे कैसे उठाऊंगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल पूरे के पूरे आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद ट्रैवलर को मैंने उठा लिया है, और अभी ना फिलहाल ये चलने फिरने की हालत में तो है, धीरे धीरे चल के मेरे साथ आ रहा है। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं, मैं सीधा गाड़ी रेडी रखता हूँ, हम लोग सीधा ना गाइस गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकलेंगे लॉस एंड्रोस। मुझे पता है अभी ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, पुलिस उतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। बाकी यार हाँ ये बात तो है, बाहर की तरफ में पुलिस आ गई है, पहले ड्राइवर को ऊपर आने देता हूँ। तो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रैवलर भी अपना भाग कर आ चुका है, तो अभी जल्दी से ना पहले यहाँ पर जितने भी बंदे हैं उन सभी को मेरे को मारना है, और अगर इनकी गन भी मिल जाती है तो काफी ज्यादा बढ़िया रहता। बाकी ट्रैवलर जल्दी से ना गाड़ी में बैठ, अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग ट्रैवलर को गाड़ी में बैठाते हैं। बाकी पुलिस वालों को तो मैं बहुत ही गंदा सबक सिखाने वाला हूँ, एक के बाद एक गाड़ियां लेकर आए जा रहे हैं, और अपनी गाड़ी यार अभी ही पलटनी थी क्या? नहीं 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 रुक जाओ भाई, ओ तेरी भाई ये गाड़ी कुछ अलग लेवल है, मतलब कि यार पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर से चढ़कर ही आ गए। अब बस मेरे को ना एक ध्यान रखना है कि जो ब्रेक वाला बटन है, जो यानी कि जिससे हम लोग ब्रेक लगाते हैं, उस ब्रेक वाले बटन से वो अपनी गाड़ी जंप करने वाली है, तुम्हें काफी ज्यादा सोच समझ के चलानी पड़ेगी, और अगर एक बार ही समझ लिया ना तो पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि ओ ओ ओ ये देखो भाई, मतलब ये गाड़ी के अंदर जो दम है ना मुझे नहीं लगता बाकी यार और किसी गाड़ी में होगा। पुलिस अभी तक हमारा पीछा कर रही थी, बाकी सामने से पुलिस वालों की गाड़ी आ रही है, ये आई गाड़ी, ओ ओ ओ ओ भाई हल्का सा बच गए हम लोग। अभी हम लोग को रोड पे जाना है, तो बस ये सिंपल सी जंप लगानी है और सीधा हम लोग रोड पर आ जाएंगे, और अभी जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को भगाते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। अभी ना यार लेस्टर अगर होता तो कुछ ना कुछ वो जुगाड़ करा देता जल्दी से पुलिस से पीछा छुड़ाने का, बट अभी मुझे नहीं मालूम कि हमें कहां पर जाकर छुपना चाहिए। लेस्टर का सीक्रेट बेस है, बट उसने ना मुझे स्पेशली मना कर रखा है कि बिना उसकी परमिशन के हमें उसके सीक्रेट बेस पर नहीं जाना, तो सीधी सी बात है हमें कहीं और जाकर छुपना पड़ेगा। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल हमने पुलिस वालों को ना ऑलमोस्ट चकमा दे ही दिया, और हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर इस टाइम पर पहुंच चुके हैं सीधा हाईवे पर, और अभी ना बस हमें अपनी गाड़ी को ना एकदम फुल स्पीड में भगाना है, और एकदम सीधा नहीं भगाना वरना पुलिस वालों को हमारे बारे में पता चलते रहेगा। थोड़ा सा राइट लेफ्ट करेंगे ना, वो लोग बेचारे
ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी यार मुझे लग रहा था कि सामने पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी हुई है पेट्रोल पंप पे, बट वो एक व्हाइट कलर की नॉर्मल कार थी। और फाइनली अभी हम लोग बस लॉस सैंटोस भी पहुंचने वाले हैं, मामला पूरा शांत करवा दिया। बाकी यार ये देखो किसी की कार की डिलीवरी जा रही है, बट ये सर के साथ नॉर्मल एसयूवी है, ज्यादा तगड़ी कार नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी मस्टैंग जीटी लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूं। और यार अभी ना फिलहाल पीछे बीच रास्ते में मेरी लेस्टर से कॉल पे बात हुई है, और गाइस सर वो कह रहा है कि ना इस टाइम पर एक अच्छी बात है एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि जिन स्टैचूज को वो बेचने के लिए गया था वो ज्यादा महंगे तो नहीं बिके हैं, बट हां फिर भी इतने ज्यादा महंगे बिके हैं कि अब हम लोग गाइस अमीर बनने वाले हैं। और दुख की बात यह है कि जिस कंट्री में वो गया है ना वहां पर भी वेपन्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब यार देखो पूरे पूरे लॉस सैंटोस में मुझे नहीं पता अब हमारे पास गन्स कहां से आएगी। हो सकता है हमें मिलिट्री बेस जाना पड़े चुराने के लिए, बट चुराने के लिए भी तो हमारे पास गन्स होना चाहिए पहले, वरना हाथ से मुक्का मार के तो गन छीनेंगे नहीं उनसे। तो दूसरी दिक्कत ये है। अब यार देखो लेस्टर कह रहा है कि हो सकेगा तो वो गन्स लेकर आएगा, अदरवाइज तुम लोग क्या करो कि जितने भी वेगोस गैंग के बंदे हैं ना उनके साथ हाथ मिला लो, क्योंकि लॉस गैंग के बंदों का कुछ पता नहीं है ये लोग कब हमारे ऊपर अटैक कर दे, और अपने पास इस टाइम पर भी वेपन्स नहीं है। तो सीधी सी बात है अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो जैसा जैसा लेस्टर ने कहा वैसे करते हैं, और अगर एक बार हम लोग वेगोस गैंग से हाथ मिला लेते हैं तो सीधी सी बात है हम लोग लॉस्ट गैंग से अपना बदला भी ले लेंगे जो उन्होंने हमारी गाड़ियां चलाई है। तो आज तो लॉस्ट गैंग की मैं बैंड बजाने वाला हूं। बेसिकली ये लॉस्ट गैंग नहीं है, ये बदला एक टाइप से आप लोग कह सकते हो फ्रैंकलिन से भी है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ना ये काम फ्रैंकलिन ने ही करवाया होगा अपने शोरूम पर अटैक। बट यार थोड़ा बहुत शक मेरा बिग माफिया के ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो इस टाइम पर अपने कंपटीशन में है। चलो यार कोई नहीं, फिलहाल जल्दी से मैं अपने घर पर आ चुका हूं। अब घर पर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप लोग को याद होगा बिग माफिया के भाई ने काफी टाइम पहले मेरे को एक शॉटगन दिया था, उस शॉटगन को मैंने अभी तक निकाल कर भी नहीं देखा वो कैसी है, उसे मैंने बस लाकर सीधा अपने घर पर रख दिया था। और फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंच चुका हूं। इस गाड़ी को मैं इतनी ज्यादा आराम से इसलिए चला रहा हूं क्योंकि किसी को भी टक्कर मार दी ना उसकी गाड़ी उड़कर पता नहीं कहां जाके गिरेगी मुझे नहीं मालूम। बाकी इस गाड़ी के अंदर गाइस यार एक और मोड है, तो गाइस यार आप लोग ने एक बारी गाड़ी को ध्यान से देखो। मुझे यार देखो सच्ची में मालूम नहीं था कि इस गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक्स भी है। मतलब क्या ये देखो अपनी जो गाड़ियां ना इस टाइम पर डांस भी कर सकती है जंप के साथ साथ। बाकी तो इसे मैं एक टायर पे भी ऐसे ऐसे मतलब पूरा नचा नचा के चला सकता हूं, बाकी आगे से नहीं पीछे से भी ऐसे जंप मारती है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल इस गाड़ी को वॉश भी करवाना है, काफी ज्यादा गंदी कर दी हमने पहले देनी। अभी जल्दी से ना अंदर चलता हूं, पहले वो जो गन है ना उसे लेकर आता हूं, उसके बाद चलते सीधा वेगोस गैंग से हाथ मिलाने, क्योंकि यार अभी तक ना अपनी वेगोस गैंग से लड़ाई नहीं हुई है। तो जहां तक मुझे लगता है वो अपना नॉर्मली हमसे हाथ मिला लेंगे, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि माइकल वगैरह कोई छोटे आदमी नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमने लॉस गैंग ब्लास गैंग सबको कूटा है। तो भी फटाफट से वो जो गन है उसे लेते हैं और चलते हैं सीधा वेगोस गैंग के अड्डे में। तो ओके गाइस सर अभी ना फिलहाल इस बैग से मैंने वो गन निकाल लिया है जो कि मुझे बिग माफिया के भाई ने नॉर्थ एंगटन में गिफ्ट करी थी। वैसे यार देखो ये ना एक छोटी सी शॉटगन है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी भी ज्यादा तगड़ी कोई गन होगी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा वेगोस गैंग के अड्डे में, और वहां पर जाकर हम लोग उनसे डील करेंगे, फिर उसके बाद लॉस गैंग का मुंह तोड़ने चलेंगे। बट हां वहां पर जाने से पहले ना गाइस यार ये जो शॉटगन है इसको मैं टेस्ट कर लेता हूं, कहीं पता चले कि मान लो वेगोस गैंग के बंदे हमें ही कूटने लग गए और हम लोग कुछ कर भी ना पाए। बाकी यार देखो यही है गन जो उसने मेरे को दी है, मतलब इतनी छोटी सी शॉटगन है मेरे को तो कुछ ज्यादा खास लग भी नहीं रही। एक काम करता हूं पहले ना यहां से थोड़ा सा दूर चलते हैं, इधर की तरफ में हम लोग आराम से टेस्ट करते हैं इस गन को। ओके यहां पर ये शॉटगन का आवाज तो तगड़ी है, मुझे मालूम कि डैमेज तगड़ा होगा या फिर नहीं। बाकी जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। तो गाइस यार ये ना एक ऑटो शॉटगन है, मतलब कि कंटीन्यूअसली चलती जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो तगड़ी है। और बाकी एमो इसकी काफी ज्यादा है, बट फिर भी हमें सोच समझ के यूज करनी चाहिए, ज्यादा एमो नहीं यूज करनी क्योंकि अपने पास अभी भाई वेपन्स बिल्कुल भी नहीं है। अभी जल्दी से ना गाइस यार हम लोग अपनी मस्टैंग में बैठते हैं और फटाफट से निकल लेते हैं। बाकी यार ये क्या गाड़ी है यार, जब से इस गाड़ी को चलाया ना मैं अपनी लंबोगनी बुगाटी टी वो सबको भूल गया हूं। बाकी ट्रेवर भाई साहब क्या हो गया, इतना तो मारा भी नहीं था पुलिस वालों ने जितनी एक्टिंग कर रहा है यार, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। बट अभी अच्छी बात है कि हमारे साथ चलने के लिए रेडी है। पता नहीं यार फ्रैंकलिन का अब क्या ही होगा, भाई समझ नहीं आ रहा फ्रैंकलिन ने अपनी गैंग छोड़ी क्यों, मतलब एक मेन रीजन नहीं समझ आ रहा। खैर छोड़ो यार फ्रैंकलिन को तो हम लोग अपना बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल के लिए जल्दी से निकल लेते हैं सीधा वेगोस गैंग के अड्डे में। वैसे यार देखो जो उनका मेन गैंग बेस है ना मुझे अच्छे से याद नहीं है कहां पर है, बट हां इतना पता है कि जो बेलास गैंग है ना उसी के गैंग बेस के आसपास है। तो सबसे पहले वहां पर चलते हैं, और आखिरकार वेगोस गैंग का बॉस कौन है मैं भी उसे नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि जो वेगोस गैंग है वो डेगन बॉस की गैंग होगी, वैसे नहीं यार उसकी गैंग पूरी अलग है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी मस्टैंग लेकर सीधा बेलास गैंग के अड्डे में पहुंचने वाला हूं। एक काम करता हूं, इधर ना काफी सारा पानी था, अपनी गाड़ी थोड़ी बहुत वॉश कर लेता हूं, काफी ज्यादा गंदी हो गई है। तो भी ना गाइस मुझे अपनी गाड़ी को ना यहां से सीधा ऊपर लेकर चलना है, और यहां से निकलते जो वेगोस गैंग का अड्डा है यानी जो उनका गैंग बेस है वो आ जाएगा।
क्योंकि जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से भगा लेता हूँ। वाकई यार ये जो इसके हाइड्रोलिक्स है ना यार, सच्ची में इसको यूज करते करते गाड़ी चलाने का ना एक मजा ही अलग है। जितने भी सामने के बंदे होते हैं बेचारे सारे के सारे डर जाते हैं। वाकई यार ये देखो, ये टैक्सी ड्राइवर मेरे से पिटेगा, बेचारे को मारने की जरूरत ही नहीं है, उसकी गाड़ी भी पिचका दी, उसका सिर भी फूट गया। और वो देखो गाइस यार सामने की तरफ में आ चुका है सीधा बिगॉस गैंग का गैंग बेस। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में आगे लेकर चलता हूँ। वाकई यार देखो वो जो येलो गैंग है ना गाइस, वही है बिगॉस गैंग। तो अपनी गाड़ी हम लोग यहीं पर पार्क करते हैं। वाकई यार इन लोग के पास भी काफी यार सही से अलग ही मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी हम लोग यहीं पर खड़े करते हैं और फटाफट से ना गाइस अंदर चलकर ना मैं सीधा यहाँ का जो मेन इनका बॉस है उससे बात करने वाला हूँ। बाकी तो यार यहाँ पर इनकी काफी सारी गाड़ियां इधर खड़ी हुई है, सामने की तरफ में भी काफी सारे बंदे, अपनी गन्स में अंदर कर लेता हूँ। और जो इनका मेन बॉस है वो कहाँ पर है मुझे पहले वो पता करना पड़ेगा। और इनका जो गैंग बेस है सच्ची में काफी ज्यादा बड़ा है, एक के बाद एक यहाँ पर गाड़ियां खड़ी हुई है। जल्दी से ना इनसे चलकर बात करता हूँ इनका बॉस कहाँ पर है, फिर उससे बात करेंगे, उससे डील करेंगे कि हम लोग तुम्हारे साथ अपनी न्यू गैंग बनाना चाहते हैं। बाकी तो यार यहाँ पर देखो एक बंदा खड़ा हुआ है। ओके भाई सब यहाँ पर, इसको भी मैंने कुछ कहा भी नहीं और ये सीधा यहाँ पर उल्टा बोलने लग गया। अबे मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, रुक जाओ मैं जा रहा हूँ, रुक जा भाई ये बेमतलब में लड़ना चाह रहे। ओ, ओ, ओ एक सेकंड गाइस, यहाँ पर तो इन्होंने अपनी गली निकाली, रुक जाओ। इसकी ऐसी की तैसी, मुझे पता था यार ये बिगॉस गैंग ना ढंकी गैंग नहीं है, इसलिए मैं इनसे लड़ाई भी नहीं हुई थी मेरी आज तक। ये लोग बेमतलब में, इनको लग रहा है कि यार मैं लड़ने आया हूँ यार, शिट इनकी एक गलत फहमी के चक्कर में ना अभी बेमतलब की लड़ाई होने वाली है। बाकी ड्राइवर कहाँ पर है मुझे तो वो भी नहीं पता। एक मिनट रुक जाओ, पहले ना इन लोग का मेरे को मुंह तोड़ना पड़ेगा। ड्राइवर जल्दी से आके भाई गाड़ी में बैठ, अभी पहले यहाँ से निकलते हैं उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। बाकी तो रुक जाओ मैं इनसे आज ना तुम्हारी ऐसी तरह से निकलो यहाँ से, कुछ ज्यादा चौड़े हो रहे हैं ना, पहले आज इनको ना कूटूंगा फिर उसके बाद इनके साथ में डील करके जाऊंगा। इनको गलत फहमी हो गया कि यहाँ पर मैं लड़ने आया हूँ और इन लोगों ने सीधा मेरे को मारना शुरू कर दिया। बाकी गाड़ी में बैठोगे भाई साहब, गाड़ी में बैठ रहे हैं मेरे को मारने के लिए। तो गाइस यार देखो मुझे तो नहीं लगता कि यार इन लोगों को ना इतनी ज्यादा प्यार से समझ आने वाला है। एक के बाद एक बंदे ने अपने घर से निकल कर आए जा रहे हैं और बाकी यहाँ पर मैं इतनी दूर से ना इनके पिस्तल भगाया जा रहा हूँ। रुको यार अपनी ऑटो शॉटगन निकालो, ये बेचारे ना डर के भागने वाले, निकल यहाँ से, एक ही मारना है मेरे को इनके दूर से और ये सारे के सारे ना अभी ढेर हो जाएंगे। बाकी अभी ना गलती से मैं एक शॉट ड्राइवर को मार देता। इनका बॉस कहाँ पर है भाई, बाहर बुला उसको। सारे के सारे घरों से निकल कर आ रहे हैं, रुक जाओ। अभी फिलहाल यहाँ पर ना इन सबके हमने रेल बना डाली है। एक आध बंदा इधर और है जो कि मेरे को नजर नहीं आ रहा। बाकी देख लो भाई बेमतलब हमें यहाँ पर इन लोग की लाश बिछानी पड़ेगी। निकल यहाँ से गंजे, रुक जाओ, इसका तो मैं सिर फाड़ दूंगा पूरा, उठ 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 तेरी ऐसी तरह से, निकल यहाँ से। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल बेमतलब ही हमने यहाँ पर बिगॉस गैंग के बंदों की लाश बिछा दी। मतलब यार हमें ना पहले कॉल कर यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि यार सीधी सी बात है हम लोग कहीं पर भी जाएंगे ना तो उनको तो यही लगेगा कि यार हम लोग उनके ऊपर अटैक करने आए हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से सही करा, अपना डिफेंस करा, बट बेचारे मारे गए। अभी ना फिलहाल जो बिगॉस गैंग का बॉस है उसके सिक्योरिटी गार्ड ने हमें ऊपर बुलाया। बिगॉस गैंग के बॉस को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर लड़ने नहीं आए हैं, डील करने आए हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से ऊपर चलते हैं। बाकी यार ये तो मैं बाथरूम में आ गया यार, पता नहीं कैसी सी इन्होंने जगह बना रखी है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी बाहर डॉग कहाँ से आके बैठ गया भाई, पता नहीं। चलो अच्छी बात है भाई, इनके जो डॉग है ना तुरंत पीछे पड़ जाते हैं काटने वाटने के लिए। बाकी तो यार यहाँ पर ऊपर कहाँ से जाऊँ भाई, वो मेरे को ऊपर बुला रहा है। इन्होंने कैसा अपना गैंग बेस बना रखा भाई, छोटा सा देख रहे हो, मतलब इतने छोटे छोटे मतलब रूम्स हैं, बट कोई नहीं, शायद से जो आगे वाला रूम है ना वहाँ से होगी ऊपर जाने की स्टेज। एम्बुलेंस वगैरह भी आ गया बेचारों को ले जाने के लिए। और जो एक बंदा है वो देखो वो कैसे डर के भाग रहा है हमसे। ओके कोई नहीं, अभी जल्दी से पहले ना ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार यहाँ पर ये सब इन्होंने क्या रख रखा भाई, ये देखो उल्टे सीधे इन्होंने यहाँ पर आइटम्स रखे हुए हैं। बाकी इधर काफी सारे वेपन्स है, तो अगर हम लोग इनके साथ डील करते हैं तो सीधी सी बात है अपने पास वेपन्स की कमी नहीं होने वाली, जहां तक मुझे लगता है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर। उत्तरी भैंस की, अंदर इन्होंने तो बंदा रखा हुआ है मेरे को मारने के लिए, तो ईरी ऐसी की तैसी। अभी वो कह रहा था कि मामला शांत है और ये मेरे को मारेगा, निकल यहाँ से। बाकी तू भी निकल यहाँ से भाई, मेरे को पागल बना रहे हैं लोग। तो गाइस यार देखो उसने ना एकदम पीछे वाली विंडो से मेरे को आवाज लगाई थी ऊपर आने के लिए, तो अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला रूम होगा शायद से वो विंडो वहीं पर होगी। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं, शायद से यही वाला रूम है। अभी फटाफट से अपनी गन में अंदर रख लेता हूँ। और वो देखो वो बैठा हुआ है इनका मैक्सिकन गैंग का बॉस। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल बिगॉस गैंग के बॉस से काफी ज्यादा आसानी से डील डन हो गई है, क्योंकि यार देखो आज से पहले हमने कभी भी इनके साथ लड़ाई नहीं करी। और लॉस्ट गैंग बेलास गैंग इनके दुश्मन है और वही लोग हमारे भी दुश्मन है। तो उसने कहा भाई देखो तुम्हें गन्स वगैरह तो मैं दूंगा उनको मारने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ कुछ कंडीशन अगर तो हम इनकी गैंग में आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि हमें ना अपनी गाड़ी जो है येलो कलर का करवाना पड़ेगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि इन्हीं के जो कपड़े हैं स्पेशली बिगॉस गैंग के मैक्सिकन गैंग के, वही कपड़े भी पहन के घूमने होंगे। और तीसरी कंडीशन ये है
कि अगर ये हमें कॉल करके बुलाते हैं तो हमें तुरंत इनके पास पहुंचना पड़ेगा। बाकी ये मौसम कैसा हो गया झटके से। चलो यार कोई नहीं, अभी जल्दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अभी फिलहाल ये कह रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं जल्दी से ना अपनी पूरी पूरी गैंग को बता देता हूँ कि स्नाइपर जो माइकल ट्रेवर है वो अपनी गैंग के अंदर ऐड हो चुके हैं, तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब कि स्नाइपर जो वेगोस गैंग के बंदे हैं ना, अगर मैं एक कॉल मारूंगा तो सारे के सारे गाड़ियां लेकर हमारे पास पहुंच जाएंगे और गन्स वगैरह भी लेकर आएंगे। बट हाँ, ये लोग हमें अनलिमिटेड गन नहीं देंगे, लिमिटेड गन देंगे, लिमिटेड एमओ देंगे। डेली हमें यहाँ पर आकर इनसे एमओ लेनी पड़ेगी, क्योंकि यार इनके ना कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस कस्टम, क्योंकि मुझे ना अभी फिलहाल अपनी गाड़ी का जो कलर है वो येलो करवाना है और साथ ही कुछ येलो कपड़े भी खरीदने हैं, जिससे कि सबको पता चल जाए कि हम लोग ने मैक्सिकन गैंग ज्वाइन कर लिया है। वैसे यार देखो, अगर ये सीन हो जाएगा ना तो आज ही जाकर हम लोग लॉस्ट गैंग ब्लास्ट गैंग सबसे अपना बदला लेंगे और जितना नुकसान इन्होंने मेरा करा है ना उसका ट्रिपल नुकसान हम लोग इनका करेंगे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी मस्टैंग जीटी को एकदम शॉर्टकट रास्ते से लेकर पहुंचने वाला हूं एलएस कस्टम की शॉप पर। वैसे देखो, मैंने से गूगल मैप्स पर ढूंढ रहा था बट मेरे को शॉप नजर ही नहीं आ रही थी। बट कोई नहीं, अभी फिलहाल मेरे को रास्ता अच्छे से आता इसलिए मैं अंदाजा लगाकर यहां पर आ गया हूं। तो अभी जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को यहीं पर घुमाते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या ड्रिफ्ट मारी यार इस गाड़ी ने, सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया है। अभी जल्दी से ना गाइस इस अपनी गाड़ी को अंदर लेकर चलते हैं और जाने से पहले गाइस एक प्यारी सी जंप भी मार लेते हैं। भाई क्या ही गाड़ी है। ओके, तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं। इसका हमें कलर उसने कहा था कि येलो करवाना है, तो मैं सोच रहा हूँ लाइट येलो रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वेगोस गैंग की पहचान है। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को ना ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मॉडिफाई करवाते हैं। तो आर्मर वगैरह तो बेनी ने ना पूरे अपग्रेड कर दिए थे, ब्रेक भी एकदम बढ़िया वाली लगी हुई है और साथ ही अगर चेजेस देखे जाए तो चेजेस मेरे को लगता नहीं है चेंज करवाने की जरूरत है। रोल के जिसके अंदर लग गया, पहले ऐसी थी अभी ऐसी हो गई, तो मेरे हिसाब से नॉर्मली ठीक है, मेरे को ज्यादा कुछ चेंज नहीं करवाना, इंजन भी पूरा अपग्रेड है। तो ओके गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो फाइनली मैंने अपनी गाड़ी पूरी की पूरी मॉडिफाई करवा ली है। तो अभी जल्दी से ना गाइस इसे बाहर निकालते हैं और फटाफट से करना, सबसे पहले अपने कपड़े बदल लेते हैं। हमारे पास ना येलो आउटफिट भी होना चाहिए। उसके बाद ना देखो, भी वेगोस गैंग के बंदों का ना मुझे कॉल आ गया है। वो कह रहा है कि जल्दी से आ जाओ, बदला लेने का टाइम आ चुका है, वो सारे लोग रेडी हो गए हैं। जल्दी से हम लोग भी रेडी हो जाते हैं और फटाफट से चलते हैं उन लोग का नुकसान करवाने और जितने भी लॉस्ट गैंग के बंदे हैं सबका मुंह तोड़ने। अभी हम उनका खात्मा नहीं करेंगे, पहले उन्हें ना मजा चखाएंगे, उसके बाद उनका मुंह कूटेंगे। तो ओके, मुंह कूटेंगे नहीं, मुंह तोड़ेंगे, ठीक है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ता हूं यार, कपड़ों की शॉप मेरे को अच्छे से याद नहीं है कहां है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को लेकर सीधा मार्केट में पहुंच चुका हूँ। सामने एक शॉप है जहाँ से हमें वेगोस गैंग के कपड़े मिल जाएंगे। वैसे हमें वेगोस गैंग के कपड़े नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल ना येलो ड्रेस चाहिए जो कि वेगोस गैंग की थीम से मैच करे और अपनी गाड़ी से भी मैच करे। वैसे कितनी ज्यादा तगड़ी नहीं लगेगी, हम जब अपनी गैंग में थे हमें भी पहले अपनी थोड़ी बहुत एक अलग सी ड्रेस बना लेनी चाहिए थी। बट कोई नहीं, अभी हट जा भाई साहब, बंदा बंदा है क्या, मतलब साइड नहीं होगा, गाड़ी के आगे आगे भागेगा। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल बेचारे को टक्कर मार के गिरा दिया। फटाफट से फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर सब अर्बन पहुंच चुके हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फटाफट से अंदर चल के बढ़िया से कपड़े पहन लेते हैं। बाकी तो यार इसी जगह से हम लोग अपने हेलोवीन वाले कॉस्ट्यूम भी लेकर गए थे, फटाफट से ले लेते हैं कपड़े। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल हम दोनों ने इस स्टोर से कपड़े खरीद लिए हैं। मैंने तो एक नॉर्मल येलो टी शर्ट खरीदी है और ट्रेवर ने एक येलो जैकेट खरीदी है जो कि काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है देखने में। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा वेगोस गैंग के पास। वो लोग काफी देर से हमें कॉल करके बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि ना लॉस्ट गैंग के बारे में ना उनको, मतलब कोई उनका गैराज है उसके बारे में पता चल गया है। तो कह रहे सबसे पहले वहां पर चलते हैं, वहां पर उनकी जितनी भी गाड़ी वाड़ी होगी ना उसको जला जला के ब्लास्ट करेंगे, पहले वो लोग ना मेरा बदला पूरा करवा रहे हैं। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं, मुझे यही तो करना है। वैसे यार पता है उनके पास इतनी ज्यादा महंगी गाड़ियां नहीं होगी जहां तक मुझे लगता है। और यार सच्ची में ये जो अपनी गाड़ियां ना, मेरे को लग रहा है मुझे इसको ना हाइड्रोलिक्स मोड से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी उस वाले मोड में जाती है ना, ये देखो ये भाई हल्की सी रेस दो ना ऐसे जंप मारने लग जाती है। मैं क्या बताऊं भाई, सच्ची में इस गाड़ी को ना गाइस मैं डांस करते करते भी चला सकता हूं, मतलब गाड़ी डांस करेगी मैं नहीं डांस करूंगा, ठीक है। तो चलो भी जल्दी से जल्दी चलते हैं लॉस्ट गैंग के पास। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा वेगोस गैंग के अड्डे में पहुंचने वाला हूं। और यार आज ना एकदम मौसम अजीब सा ही हो रखा है, कभी धूप निकल जा रही है, कभी बादल आ जा रहे हैं तो छांव हो जा रही है। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। अभी ना गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी में यहीं पर खड़े करता हूं और फटाफट से यही वो बंदा जिससे मुझे बॉस ने बात करने के लिए कहा था, तो अभी बात करते हैं, देखते हैं हमें सबसे पहले क्या करना है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इस बंदे से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ नहीं जाने वाले, हमें ये जो काम है पहले खुद अकेले कर कर आना है ताकि इन लोग को ये प्रूफ हो जाए कि हम लोग सच्ची में वेगोस गैंग के साथ काम करना चाहते हैं। मतलब कि यार ये ना एक टाइप से हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि हम लोग इनके लिए सही से काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो चलो यार कोई नहीं, इनको प्रूफ दे देते हैं। इसने मेरे को एक लोकेशन दिया है जहां पर ना मतलब बेलास गैंग के बंदों का गैराज है। बेलास गैंग नहीं गाइस, ये लॉस्ट गैंग है जिसके अंदर सारी की सारी गैंग मिल चुकी है। तो अभी जल्दी से हमें वहां पर जाना है और जो उनका गैराज है ना उसके अंदर गाड़ियां
हो सकती है नहीं भी हो सकती मुझे नहीं मालूम। इन्होंने कहा बस पूरा को पूरा गैराज डिस्ट्रॉय कर कर आना है और साथ ही इन्होंने मेरे को ना एक गैस कैन दे दिया है, सॉरी गैस कैन नहीं जेरी कैन। और यार बातों के चक्कर में ना मैं थोड़ा सा रॉन्ग वे आ गया हूँ, वैसे थोड़ा सा रॉन्ग वे नहीं मैं कुछ ज्यादा ही रॉन्ग वे आ गया हूँ। उस बंदे ने जो मेरे को लोकेशन दिया ना वो इस वाले ब्रिज के नीचे है, तो मुझे ना इस ब्रिज के नीचे जाना है, तो यानी कि पीछे वाले कट से मेरे को राइट ले लेना चाहिए था, बट कोई नहीं यार अपनी एक ऑफ रोड व्हीकल है तो हम लोग यहाँ से आराम से जा सकते हैं। उन्होंने कहा था काफी ज्यादा बड़ा वेयर हाउस है जिसकी लोकेशन उन्होंने मुझे दी है, जल्दी से ना गाइस हम लोग वहीं पर चलते हैं। और वो वेयर हाउस ओके तो सामने ही तो है, ये रहा बिग हाउस। अभी जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को यहाँ पर अंदर लेकर चलते हैं और पूरी की पूरी जगह को ना तबाह कर डालते हैं फटाफट से। आ जा भाई ड्राइवर जल्दी से, एक जेरिकैन मेरे पे है एक जेरिकैन ड्राइवर पे है, तो हम लोग असली तबाही तो अभी के अभी मचाने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग इस वेयर हाउस के अंदर आ चुके हैं और सामने की तरफ में ना गाइस दो लॉस्ट गैंग के बंदे खड़े हुए हैं और अगर इन लोगों ने मेरे को देख लिया ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ जल्दी से ना अपना बेसबॉल बैट बाहर निकालता हूँ और फटाफट से चल के ना गाइस सबसे पहले मैं इसका मत्था फोड़ देता हूँ। भाई इन लोगों ने ये जगह क्या ही बना रखी है। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर दोनों को तो मैंने मार दिया, तुम्हारी ऐसे की तैसे मेरे को मारोगे निकलो यहाँ से। ओके तो ये लोग भी सोच रहे होंगे बेचारे माइकल ने ना हमें परेशान कर डाला निकलो यहाँ से, तो अभी दोनों का यहाँ पर मैंने मत्था फोड़ दिया है। बाकी यार सच्ची में गैराज तो इन्होंने बहुत ज्यादा बना रखा है, यानी कि जो वेगोस गैंग ने मैं बताया था ना वो बात तो बिल्कुल सही थी। ये गाड़ी कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है यार, और साथ ही यहां पर इनके पास काफी सारी सुपर कार्स भी है। मुझे पता नहीं था इनके पास इतनी तगड़ी कार भी होगी, मुझे तो लगता था कि बस लॉस्ट गैंग के पास वही अपनी ब्लैक कलर की लोकल सी वैन है जो कि ये लोग लिबर्टी सिटी से हर साल बहुत सारी मंगवाते रहते हैं। बट यार देखो इनका गैराज तो काफी ज्यादा बड़ा है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार इसको पूरा का पूरा जला के ब्लास्ट करने में। बाकी यार मेरे को पता नहीं था कि इतने तगड़े तगड़े ट्रक्स भी इनके पास होंगे, भाई इतना बड़ा वेयर हाउस पूरा का पूरा लॉस्ट गैंग का या ओ भाई। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि काश यार इस वेयर हाउस को हम लोग अपना कर लेते, बट कोई दिक्कत की बात नहीं अभी ना पहले इनका नुकसान करना है। पूरे का पूरा वेयर हाउस गाइस मैं जला के ब्लास्ट करने वाला हूँ ताकि सारी की सारी गाड़ियां जल जाए। अभी फिलहाल यहां पर मैं आ गया हूं, भाई कितनी तगड़ी मॉडिफिकेशन चलती होगी यार, मतलब इतना बड़ा वेयर हाउस और ये बेचारा गलत जगह मेरे हत्ते लग गया। अभी गाइस इसके ना पहले रख के यहां पर पड़ने वाला, उठो बेटा सो के जल्दी से। ओके तेरी ऐसी की तैसी मेरे को मारने निकल यहां से, भाई ये पीछे से कहां से टपक गया, जान तो इसके अंदर बहुत ज्यादा है। बाकी ये ओ भाई सब तो गाइस यार देखो ना फिलहाल ये बंदा कुछ ज्यादा ही चूना हो रहा था, लेकिन यार अभी ना ट्रैवर भी आ चुका है और ट्रैवर इसके एकदम रख रख के बजा रहा है और इसके हाथ से ना पहले ये हथियार छीनना पड़ेगा। भाई जान बहुत ज्यादा है इस मोटे में, तेरा तेरी भैंस की रख के ही मारूंगा ले भाई, अभी बढ़िया कसके से उठने नहीं देंगे वापस। चलो अभी फिलहाल यहां पर इसके सर पे मैंने मार दिया, अब ये मेरे हिसाब से नहीं तो भाई कितनी जान है इसके अंदर यार समझ ही नहीं आ रहा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ट्रैवर ने इसका जो मुंह है ना वो सामने वाले डस्टबिन में भिड़ा दिया, पता नहीं वो डस्टबिन था या फिर वैक्यूम क्लीनर था, बट जो भी है अभी फिलहाल इसका मामला हमने शांत कर दिया है। अब बस इनके पूरे के पूरे गैराज का मामला शांत करना है, तो जल्दी से मैं अपना जेरी कैन निकाल लेता हूं। सबसे पहले तो जो इनकी सबसे महंगी गाड़ी है ना पता नहीं यार ये कितने सालों से इसे बना रहे हैं, बट जो भी है अब ये जलने वाली है, इसका बहुत हो गया। पूरे के पूरे में बस ये मैं जेरी कैन डालने वाला हूं ताकि आग लगे तो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लगे, तो इतनी आग बहुत है मेरे हिसाब से आग पकड़ने के लिए। पूरे के पूरे गैराज में ना थोड़ा थोड़ा पेट्रोल हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल जितना भी पेट्रोल है ना ये सारा का सारा मैं गाड़ी के ना इंजन के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि बस आग जरा सी लगे, बट ऐसी लगे कि गाड़ी के बचने के कोई चांस ही ना बचे, तो भी फिलहाल यहाँ पर भी डाल देता हूँ। वैसे यार अपने पास ना ज्यादा जेरी कैन नहीं है, एक ड्राइवर पे था, ड्राइवर ने पीछे वाली सभी गाड़ियों पर डाल दिया है और बाकी गाड़ियों पर मैं डाल रहा हूँ। तो चलो अभी फिलहाल हो चुका है सब कुछ, अब बस ये जितना भी पेट्रोल है ना हमें कुछ इसे इस टाइप से आग लगानी है कि हर जगह आग पहुंच पाए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैंने हर एक गाड़ी के ना आसपास जो है थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल दिया है। अब यार देखो मैं तो अपना पूरा पेट्रोल डालने में बिजी था, लेकिन यार पता नहीं कब मैंने ट्रैवर को ये सिलेंडर्स की कोई ट्रोली दिख गई और उस ट्रोली को लाकर ना ट्रैवर ने इस पूरे के पूरे गैराज में पलट दिया, जिस वजह से चारों तरफ सिलेंडर हो चुके हैं और अभी सीधा सा सीना अगर एक भी गोली मैंने चलाई तो ये पूरा का पूरा गैराज जो है ना बहुत तगड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो एक काम करते हैं पहले ना हम लोग यहाँ पर थोड़ा पीछे चल लेते हैं ताकि हम लोग भी एकदम बढ़िया तरीके से नजारे देख पाए और अंदर की तरफ में काफी ज्यादा गाड़ियों का आइटम रखा हुआ है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा ना साइड में आ चुके हैं, यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है और ना ही इधर ब्लास्ट होने वाला है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग फायर कर देते हैं किसी भी एक सिलेंडर पे। वो देखो भाई आग तो यहाँ से निकल चुकी है, बाकी आग धीरे धीरे फैलने लग गई है, बस कोई भी सामान उड़कर इधर ना आए क्योंकि जो ब्लास्ट है गाइस बहुत तगड़ा होने वाला है। एक गाड़ी तो गई, अभी कैसे इंजन थे ओ भाई, तो ब्लास्ट गाइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस गाड़ी को भी सेकंड रुक जाओ, इस वाले सिलेंडर को भी फोड़ दे। ओ भाई साहब ये मैंने गलती कर दी गाइस, बहुत तगड़ी आग लग गई यहाँ पर। मेरे को अपने जो पास वाला सिलेंडर है ना
ये नहीं फोड़ना चाहिए था, इसको फोड़ते ही जितने भी सिलेंडर है उसमें सब में आग लग गई है। बाकी कोई नहीं, एक फोड़ गए तो कोई नहीं, जो बाकी है उनको भी फोड़ो भाई। तबाही हो रही है तो सीधी सी बात है अच्छे से होनी चाहिए। अभी गाइस यार जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि एक के बाद एक सिलेंडर अगर फूटेंगे तो पूरा का पूरा जो गैराज है जलने वाला है। तो अभी गाइस यार जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम लोग ने लॉस गैंग का गैराज कितनी गंदी तरह जला दिया है। मतलब कि जो आग है ना वो शटर के पार निकल कर आ चुकी है और मेरे को तो लग रहा है कि थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा वेयर हाउस जल कर राख हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। काश यार इधर फायर ब्रिगेड ना आए वरना वो इस आग को बुझा देगी। वैसे भी यार देखो जो नुकसान होना था मेन गाड़ियों का वो तो हमने सारी की सारी जला कर ब्लास्ट कर दिया है। अभी जल्दी से चलता हूँ वेगास गैंग के पास, वो लोग कह रहे हैं कि जल्दी से आओ। अब हम जा रहे हैं सीधा लॉस गैंग पर अटैक करने। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई वेगास गैंग के बंदे ना पागल हो गए हैं, उनको लग रहा है कि माइकल ने ज्वाइन कर लिया और आज के आज ही पूरी की पूरी मतलब लॉस गैंग को खत्म करना है। तो चलो यार कोई नहीं, अगर खत्म हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं सीधा उनके अड्डे पे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी मस्टैंग जीटी लेकर सीधा वेगास गैंग के गैंग बेस पर पहुंचने वाला हूं। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट लेना है, उसके बाद आगे वाली गली से लेफ्ट लेना है। वैसे यार देखो इन्होंने ना मेरे को अपनी गैंग बेस पर नहीं बुलाया, उसके पीछे जो गली है ना वहां पर मेरे को मिलने के लिए बुलाया। तो ये देखो यार यहीं पर सारे के सारे बैठे हुए हैं। तो अभी जल्दी से ना गाइस यार अपनी गाड़ी में यहीं पर खड़े करता हूं और इनसे बात करते हैं, देखते हैं अब क्या सीन है, अब हमें क्या करना पड़ेगा अपना बदला पूरा करने के लिए। वैसे हमने अपना बदला तो ले लिया, अब बारी है इनके बदले की। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर वेगास गैंग के गैंग लीडर से बात हो चुकी है और गाइस यार ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ना तुम आज ड्राइविंग करने वाले हो। मतलब कि यार अभी ना ये लोग हमें किसी ऐसी जगह पर लेकर जा रहे हैं जहां पर लॉस्ट गैंग का न्यू सीक्रेट बेस है और उधर ना उनका काफी सारा पैसा और काफी सारा सामान रखा हुआ है, तो वहां पर जाकर हमें उनका सीक्रेट बेस भी डिस्ट्रॉय करना है। मुझे तो लग रहा है गाइस यार अभी जितने भी गैंग है ना इन सभी का भी भूत बनने वाला है। तो सारे के सारे आकर अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं, ड्राइवर भी अपने साथ चलने वाला है। भाई हम कितने सारे बंदे हैं, बट हाँ अपने पास वेपन्स नहीं है, हम लोग अपना नॉर्मली जल्दी आओ यार गाड़ी में बैठो, इतना टाइम नहीं है भाई अपने पास। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल एक एक करके सारे के सारे बंदे जो है अपना गाड़ी पर चढ़कर बैठ चुके हैं। अभी ना गाइस यार जो अपने साथ आगे गैंग लीडर बैठा हुआ है ना ये कह रहा है कि मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, बस अब तुम गाड़ी चलाते रहो। तो अभी जल्दी से ना हमें जैसे जैसे कह रहा है वहां पर गाड़ी को लेकर चलना है और वहां जाकर गाइस हम लोग उनका सीक्रेट बेस जो है पूरा का पूरा तबाह करने वाले हैं। इन्होंने मेरे को ना गाइस एक M416 भी दे दिया, अब हाँ उसके अंदर एमओ थोड़ी कम है बट कोई नहीं अपना काम चल जाएगा। अभी ना गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी मोड़ता हूँ, इस टाइम पर ना हमसे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। इतने तगड़े तगड़े गैंगस्टर अपने साथ बैठे हुए, ट्रेवर है, माइकल है और साथ में वेगास गैंग के बंदे हैं। तो चलो यार अभी जल्दी से गाड़ी निकालते हैं। तो गाइस यार देखो अब तक तो हम लोग कब का लॉस्ट गैंग के न्यू सीक्रेट बेस पर पहुंच गए होते, अगर हमें उस जगह की एकदम करेक्ट लोकेशन पता होती तो। ये लोग कह रहे हैं कि इसी किसी एरिया में है वो बेस, तो थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ेगा और हम लोग काफी देर से उस जगह को ढूंढ रहे हैं बट अभी तक हमें नहीं मिली है। तो चलो यार थोड़ा सा ना गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। बाकी एक सेकंड, यहाँ से राइट तो जा ही नहीं सकते, रास्ता बंद है। ये गली ना थोड़ी सी हमें अलग मिली है, यहाँ पर मैं पहले कभी नहीं आया बट यहाँ पर उनका सीक्रेट बेस नहीं है वरना उनका एक आध बंदा तो मेरे को इधर नजर ही आ जाता। तो चलो कोई नहीं यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ से बाहर निकालते हैं। मुझे नहीं लगता कि यार वो लोग हमसे हमारे हाथ लगने वाले हैं, मेरे हिसाब से आज वो लोग बच गए। और गाइस यार वो देखो सामने की तरफ में ना लॉस्ट गैंग वालों की गाड़ी खड़ी हुई है, तो शायद से वही इनका सीक्रेट बेस हो सकता है। एक काम करते हैं गाइस यार अपनी गाड़ी ना हम लोग अपनी यहीं पर खड़ी कर देते हैं शांति से। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल अपने साथ सारे के सारे बंदे चलने के लिए रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लॉस्ट गैंग को धप्पा करने, उनका पूरा का पूरा नया वाला सीक्रेट बेस तबाह कर देंगे। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल इन बेचारों को पता नहीं है कि इनके साथ कितना ज्यादा गलत सीन होने वाला है। अभी ना फिलहाल मैं भाग कर आ चुका हूं, इसको पता चल गया था मैं मारने आ रहा हूं। बेटा भाई सब ये लोग भी तगड़े तगड़े यहां पर वेपन्स लेकर बैठे हैं, निकलो यहां से। वो भाई सब पीछे से आ गए, ओ तेरी यहां पर काफी सारे बंदे हैं, मेरे को लग रहा था दो ही हैं। ओ तेरी भाई यहां पर तो शीशे ही टूट गए, तुम्हारी भैंस की मारो। अबे अपने बंदे खड़े होके देख रहे हैं भाई, अटैक करो सीधा। ओ भाई हो गई है यहां पर काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई बट कोई नहीं, अपने पास तगड़े वेपन्स है, वैसे वेपन दोनों पे बराबर है और वो लोग सीधा यार चाकू लेकर आ रहे हैं। रुक जाओ अभी रख रख के गाइस यार इनके पड़ेंगे। वैसे यार वेगास गैंग ना सच्ची में बेकार गैंग है भाई, बंदे ना इनके खड़े होके देख रहे हैं। बाकी तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, इन लोग को ना आराम से लड़ने दो, ठीक है इनकी लड़ाई हो जाने दो। ड्राइवर थोड़ा बहुत कंफ्यूज है, लड़ने मेरे पास मत आओ। तेरी भाई वहाँ पर घुसे मार रहा भाई। अरे भाई इस गंदे के अंदर तो कुछ ज्यादा जाना है, मेरे को लग रहा है अपनी गन निकालनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ये मैच एकदम बराबरी का हो रहा है, उन्होंने भी अपनी गन नहीं निकाली है तो हम लोग भी अपनी गन नहीं निकालेंगे, नॉर्मली लड़ाई होगी, ठीक है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल कुछ ज्यादा ही तगड़ी लड़ाई होगी हमारी इन लोग से। पीछे की तरफ में अपने भी काफी सारे बंदे इनसे लड़ रहे हैं बट अभी फिलहाल मैंने काफी सारे बंदों
को डाउन कर दिया है। और ये जो बंदा भाई इसके अंदर ना कुछ ज्यादा ही जाने लगे। रुक जाओ, मेरे को ना अपना बेसबॉल बैट निकालना पड़ेगा। अगर मेरे को भी चाकू बेस्ट चाकू मिल चुका, अब आओ बेटा। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल इन लोग का बहुत हो गया, बहुत देर से ना बस ये लोग चाकू ही चाकू मारे जा रहे हैं। बट अभी ना फिलहाल इनका नाइफ मैंने इनसे छीन लिया है, अब इन्हीं के पेट में घुसेड़ूंगा। ले तेरिया, ये बहुत देर से चल रहा था, और तू इधर आ, तू भी ले। अब जितने तेरी पीछे आएगा लो भाई। अभी फिलहाल लास्ट देखो भाई कितनी भिज गई है, इनके काफी सारे बंदे थे और सामने वाला इनका सीक्रेट बेस है। जल्दी से अंदर चलते हैं, जितने बंदे थे ना भाई सबको मार दिया है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल जितने भी बंदे थे ना हमने सबको मार दिया है। ये एक आखिरी बंदा बचा है जिसकी सबसे ज्यादा हम लोग तुड़ाई करने वाले हैं। ये लॉस्ट गैंग का मारो, इसको तो बहुत बुरी तरह मारो। ओ तेरी भाई, सब ट्रेवर तो भूसा मार रहा है। उसने ना गाइस एक पंच ले रखा है, मतलब लोहे का है, रख रख के उसके भजा रहा है। तो चलो यार, बिना फिलहाल सारे के सारे मार चुके, बस करो। ये सबको तो हमने मार दिया, अब इनकी जितनी भी गाड़ियां ना गाइस ये सारी की सारी ब्लास्ट करनी है। बट उससे पहले चलते हैं इनके सीक्रेट बेस के अंदर। तो ओके गाइस यार, बिना फिलहाल इन लोगों ने मेरे को ग्रेनेड मोलोटोव एंड स्टिकी बॉम्ब दे दिया है ताकि मैं लॉस्ट गैंग का प्यारा सा सीक्रेट बेस से एकदम बढ़िया तरीके से तबाह कर दूं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं। वैसे सामने की तरफ में इन्होंने काफी ज्यादा तगड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, और जहां तक मुझे लग रहा है ना गाइस, ये गाड़ी पानी में भी चलती होगी क्योंकि इसके पीछे जो मशीन लगी हुई है ना, ये पान बोट्स वगैरह में ही लगा होता है कुछ इस टाइप का सिस्टम। बाकी अंदर से ना किसी बंदे की आवाज आ रही है, इतने सारे बंदों को मारा, अभी और बंदे तो नहीं बचे। ओके, तो ये क्या इन्होंने कर रखा है भाई, सच्ची में जितने भी गैंग बेस है ना भाई, सारे के सारे एकदम कचड़ा है भाई, पता नहीं कैसे रहते हैं लोग। तो चलो कोई नहीं, मेरे को ना एक बंदे की आवाज तो आ रही है, तो जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई तो हो गई। बाकी वो देखो सामने की तरफ में एक बंदा तीर ही है, ऐसे की तैसे निकले यहाँ से। यहाँ क्या कर रहा है वो भाई, एक मैंने मार दी। ओ भाई इसके दूसरा वाला बहुत गंदा पड़ा है, इस तरफ में भी एक बंदा था ना। ओके बेटा इधर आओ, यहाँ पर क्या करो, टॉयलेट करने आए थे। रुक जाओ, ओ भैंस की डांग, मेरे को मारेगा, निकल यहाँ से अभी गाइस। इसको ना टॉयलेट में गिरा गिरा के हम लोग मारने वाले। चलो दो लात में इसको हमने ढेर कर डाला। बाहर तेरी गैंग की फाइट हो रही है, तू अंदर क्या कर रहा है मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक काम करता हूँ, अंदर ना गाइस एक स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत आग लगेगी तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार अभी ना हमें पूरा का पूरा सीक्रेट बेस तबाह करना है। और मैंने ये गलत फेंक दिया, तो मुझे पता था क्योंकि स्टिकी बॉम्ब के ऊपर कुछ भी टच हो जाता है ना, तो सीधी सी बात है वो ब्लास्ट हो ही जाता है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल हर जगह पर बस मैं ये वाला जो मोलोटोव है ना इसे फेंकने वाला हूं, ताकि पूरी की पूरी जगह पर ना बस एकदम बढ़िया सी आग लग जाए। तो वहां पर मैंने फेंक दो, और भाई साहब यहां आग तो बहुत तेज लग गई। वैसे लकड़ी का घर नहीं है, इतनी जल्दी आग पकड़ेगी नहीं, बट फिर भी मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं। इस जगह पर गाइस यार पूरी ने एकदम बढ़िया तरीके से आग लगा देते हैं। बाकी आगे की तरफ में गाड़ी वगैरह है, तो आगे आग हम लोग बाद में लगाएंगे। सामने एक बंदा, तू यहां पर क्या कर रहा है बेचारा, खड़े होकर अपना पता नहीं मॉडिफिकेशन वगैरह कर रहा था। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल इन लोग का पूरा सीक्रेट बेस मैं बहुत ही तगड़े तरीके से जलाने वाला हूं। इन्होंने ना गाइस यार यहां पर गैराज भी बना रखा है, अपने रहने का भी बना रखा है। तो चलो कोई नहीं, लॉस्ट गैंग कितने सीक्रेट बेस बनाओगे, जितने बनाओगे सब मैं तोड़ दूंगा। बाकी यार इस वाले रूम के अंदर देखो कितने, हमारे पास वेपन्स नहीं है और इनके पास देखो भाई सब M416 वगैरह सब कुछ है। तो यार इस जगह को ना गाइस ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अंदर से ना गन्स वगैरह ले लेंगे अपने निकलने के लिए। तो सामने वाला जो गेट है, ओ गलती से मैंने इसके ऊपर मार दिया। पहले ना गाइस ये वाला हम लोग गेट खोल लेते हैं। ओके उत्तरी, सामने की तरफ में फ्रैंक लेना जो कि आरपीजी मार रहा है। ओ भाई साहब रुक जाओ, पहले ना गाइस यहां पर अगर मैं छुपता हूं, और यहां पर भी काफी सारी गन्स पड़ी हुई है। सामने गाइस मैंने एकदम अच्छे से देखा कि वो फ्रैंकलिन था, और गाइस वो ना इस टाइम पर आरपीजी मार रहा है, मेरे को ना अभी ढंग से नजर नहीं आ रहा। वो देखो वो खड़ा तीरी ऐसे की दसी, वहां पर यार बुलेट नहीं जा पा रही। एक सेकंड रुक जाओ एक बार। ओ भाई ये तो भाई तबाही मचा देगा। एक मिनट यार, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा? अगर अंदर मैं मोलोटोव डाल दूंगा ना तो सीधी सी बात है, वैसे यार फ्रैंकलिन को मैं मारना नहीं चाहता, वरना अगर मैं ग्रेनेड डालूंगा तो सीधी सी बात है वो मर जाएगा। ओ भाई ये तो पूरा काम ही खराब कर देगा। रुक जाओ, मैंने अभी ना अंदर एक ग्रेनेड डाला है, और ग्रेनेड भी उसको असर नहीं कर पाएगा क्योंकि यार वो ना किसी चीज का कवर लेके खड़ा हुआ। रुक जाओ, तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल फ्रैंकलिन का हेड मेरे एकदम एम के सामने है। मैं चाहूं तो अभी के अभी इसे मार दूं, लेकिन यार एक सेकंड, सही टाइम पर मैं कूद के अंदर आ गया, वरना ये जो आरपीजी का शॉट था ना मेरे लग सकता था। अभी फिलहाल ना इसको मैं अंदर ही जाकर मुझे समझाना पड़ेगा। ओ भाई ये तो गाइस अभी ना फिलहाल पूरा ही पागल हो गया है। बाहर से भी काफी सारे मतलब कि बेलास गैंग, लॉस गैंग, सभी गैंग के बंदे आ गए हैं। अभी ना पहले बाहर निकल के इनका मुंह तोड़ना पड़ेगा भाई साहब, इतने सारे बंदे। ओ तेरी भाई रुक जाओ, अभी ना गाइस मेरे को अंदर ही जाना चाहिए पहले। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे को तो नहीं लगता कि हमें ना इनसे कंटिन्यूअसली लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ये जो गैंग है ना गाइस बहुत ज्यादा बढ़िया है। जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे ना तब तक ये लोग आते रहेंगे। अभी ना फिलहाल एक काम करता हूं, जल्दी से ना इनका जो पूरा का पूरा सीक्रेट बेस है उसे तबाह कर देता हूं। पूरी जगह पे बस मैं स्टिकी बॉम्ब लगाने वाला हूं, इस गाड़ी पे भी लगा दो, बाकी हर रूम में स्टिकी बॉम्ब मैं भर देता हूं। बाकी अभी ना हमें बस यहां से भागना है, किसी गाड़ी में बैठकर यहां से निकलना है। बाकी फिलहाल पूरे के पूरे बेस में स्टिकी बॉम्ब लगा दूंगा। तो चलो अभी फिलहाल इतना मेरे हिसाब से बहुत है, अभी जल्दी से ना गाइस एक यहां पर मोलोटोव। ओ नहीं नहीं, मैंने गलत डाल दिया मोलोटोव। भागो भागो, पहले भागो, अभी कुछ नहीं पता कब मैं यहां पर आग लग जाए। अपनी एक गन निकालता हूं, जल्दी से इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ के ये ऐसे जैसे निकल यहां से। अभी गाइस इन्हीं की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, जल्दी से आओ भाई। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ट्रेवर तो अपना भाग कर आकर अपनी गाड़ी में बैठ चुका है, लेकिन मुझे ये नहीं
समझ आ रहा है कि ये जो वैगॉस गैंग के बंदे हैं ये अपनी गाड़ी में आकर क्यों नहीं बैठ रहे। बाकी यार सामने ओके तो गाइस वो देखो सामने ऊपर छत पर फ्रैंकलिन आरपीजी लेकर आ गया है, वो सीधा अपनी गाड़ी पे मारने की कोशिश कर रहा है। अभी ना गाइस जल्दी से हमें अपनी गाड़ी को यहां से निकालना पड़ेगा वरना वो सीधा गाड़ी फोड़ डालेगा। भाई ये पागल ही हो गया साइड में इस टाइम पर ना गाइस। एक सेकंड यार, गाड़ी भी जो है ना चलने की हालत में ही नहीं है, इतनी ज्यादा इस गाड़ी पे गोली पड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे वैगॉस गैंग के बंदों को अपने साथ ले जाना चाहिए गाड़ी में। बाकी वो देखो छत पे है, इसको ना गाइस एक बारी तो ना मैं मार के ही जाऊंगा। रुक जाओ अभी ना गाइस अपनी गाड़ी पहले साइड में लगाता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को ना 2 मिनट के लिए साइड में लगा लिया है। जाते जाते ना फ्रैंकलिन को थोड़ा सा तो सबक सिखा कर जाएंगे। मतलब यार ये देख रहे हो आरपीजी लेकर ऊपर चढ़ गया। बाकी तो ओ भाई साहब ये तो लग रहा है मैं मार ही देगा। बाकी भी फिलहाल मैंने रख रख के इसको बचाया है, इसको मैंने गाइस यार देखो डाउन तो कर दिया है बट जाते जाते इसने ना गाइस गोली मार दिया है। अभी ना इसके काफी सारे बंदे आ चुके हैं आरपीजी लेकर। जल्दी से आ भाई ट्रेवर गाड़ी में बैठ, उसको तो गाइस यार मैंने गिरा दिया, उसके पैरों पर मैंने गोली मारी है बट अभी ना हम लोग उसे पूरा नहीं मार सकते क्योंकि वो गिर चुका है और काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। अभी ना गाइस जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि गाइस यार यहाँ पर ना काफी ज्यादा पुलिस भी आ चुकी है। वैगॉस गैंग का जो अड्डा है उसके बाहर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं। पुलिस वाले तो काफी सारे सीधा हमारे पीछे पड़ गए हैं। भाई ट्रेवर यहाँ पर लग रहा है अभी हमें बचाएगा। ट्रेवर आज ना पूरा फॉर्म में है वरना जिस हिसाब से फ्रैंकलिन आरपीजी लेकर आया था ना मुझे तो नहीं लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल भी बचने वाले हैं। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाता सीधा वैगॉस गैंग के अड्डे पर आ चुका हूँ और इसी में मैंने पीछे की तरफ में अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। बस मुझे अपनी गाड़ी को ना बस इस वाली गली के अंदर एक बार ले जाना है फिर अपना काम हो जाएगा। जल्दी 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 यहीं पर उतरो। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी वो खड़ी सामने, इसके अंदर बैठते हैं फिर ही हम लोग बच पाएंगे वरना तो यार अभी बहुत ही ज्यादा गड़बड़ वाला सीन हो गया। बाकी ट्रैवर उसी साइड पर अटक गया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी जो है जल्दी से घुमा लिया। सामने से काफी सारे पुलिस वाले आ गए, तुम्हारी ऐसे की तैसे हमें मारोगे क्या, निकलो यहाँ से। चलो अभी ना फिलहाल इनके रख के बजा दिया। भाई वहां फ्रैंकलिन अभी भी आरपीजी चला रहा है, ये लोग उसको कुछ नहीं कह रहे लेकिन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। बट कोई नहीं, अपने को कोई भी डरने की बात नहीं है। गाड़ी अपनी इस टाइम पर ना बहुत तेज स्पीड में जाने वाली है। ये देखो ये ड्रिफ्ट गाइस मैंने जानबूझ के मारी थी ताकि जो आगे वाला ट्रक है वो वहां से हिल जाए। वाकई यार ये पागल हो गए हैं लोस्ट गैंग के बंदे। भाई ये आवाज़ सुनो गाइस कैसी आ रही, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। जल्दी से गाइस यहाँ से शहर छोड़कर जाना पड़ेगा शहर से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा हाईवे पर आ चुका हूँ और गाइस अभी ना मैंने लेस्टर को कॉल करा था और ये पूरे का पूरा सीन बता दिया है कि इस टाइम पर पुलिस भी हमारे पीछे पड़ चुकी है और फ्रैंकलिन लोस्ट गैंग के बंदों के साथ मिलकर पूरा पागल हो गया है। तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रैवर के जो गाँव पर एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच जाओ क्योंकि गाइस इस टाइम ना लेस्टर वहीं पर आ चुका है अपने कार्गो प्लेन में जितने भी स्टैचूज हैं उन सभी को बेचकर सारा पैसा लेकर। तो चलो यार अभी ना जल्दी से वहां पर चलते हैं। वैसे इधर थोड़ा ना मामला शांत है जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि आगे की तरफ में तो कोई भी पुलिस ऑफिसर मेरे को नजर नहीं आ रहा, ना ही उनकी गाड़ी। बाकी यार ये देखो मैं बिना नॉन स्टॉप कितनी तेज चला रहा हूं अपनी गाड़ी को। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा ट्रैवर के गांव वाले रनवे पर पहुंचने वाला हूं। बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेना है और वैसे भी यार हम लोग यहां पर फाइनली पहुंच चुके हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी अंदर ले जाता हूं। बट यार यहां पर तो मेरे को कहीं पर भी जो है कार्गो प्लेन नजर नहीं आ रहा है। ओके तो वो देखो सामने की तरफ में खड़ा हुआ है, शायद से लेस्टर ने इस तरफ से लैंड करवाया होगा और आगे जाकर वो रुका है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं। बट एक सेकंड, सामने की तरफ में गाइस काफी सारी गाड़ी खड़ी है, पूरी सारी की सारी गाड़ियां जो है गाइस गोल्ड की है। एक सेकंड पहले ना गाइस हम लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर दो दो लैम्बोर्गिनी से आना है, हायाबुसा, रेंज रोवर, लीमो, भाई कौन कौन सी कार्स हैं ये। लग रहा है लेस्टर ना गाइस दूसरी कंट्री से काफी सारी कार्स लेकर आया है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि जितनी भी गाड़ी है ये सारी के सारी गोल्ड की है। ओ भाई साहब कितनी गंदी तरह ये चमक रही है। अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। लेस्टर इस टाइम पर शायद से कार्गो प्लेन के अंदर ही है मेरे को नजर। ओके तो वो देखो वो खड़ा, बाकी अभी भी इसके अंदर काफी सारी लग रहा है गन्स भी लाया, ये पता नहीं एक्सप्लोसिव्स है या फिर गन्स है बट जहां तक है देखने में लग तो गन्स ही रही है। बाकी इसके अंदर भी काफी सारा गोल्ड रखा हुआ है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहा है कि ये ना दूसरी कंट्री में उन स्टैचूज को बेचकर पैसा नहीं उसकी जगह काफी सारा गोल्ड लेकर आ गया जो कि बहुत महंगा बिकने वाला है क्योंकि कोई थोड़ा बहुत गोल्ड नहीं है, कम से कम पूरे के पूरे यहाँ पर 5-6 ट्रोली है और साथ ही नीचे इतनी सारी गोल्डन कार्स हैं। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर कितना ज्यादा गोल्ड है। मतलब कि गाइस यार अब टाइम आ चुका है हमारे अमीर बनने का, अब हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने वाली, बड़े बड़े घर होंगे और काफी तगड़ी गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं 1 मिलियन लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और हां जिससे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। फिर से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।